नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पूरे दिल से जिंदगी जीने के बारे में बात करेंगे। दोस्तों के साथ आपस में बात करते हुए कई बार हम जोश में कह तो देते हैं कि यार जिंदगी तो पूरे दिल से जी जानी चाहिए, आधे मन से जिया जीवन भी क्या जीवन है। पर क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि पूरे दिल से कैसे जिया जा सकता है? पूरे दिल से जीने का मतलब है पूरे जोश और खरोश के साथ जीना, पूरी संजीदगी और जुनून के साथ जीना, पूरे ध्यान और जिम्मेदारी के साथ जीना, मन में किसी तरह का कोई संदेह न रखना, मन में कुछ भी बचा कर न रखना, अपना सब खर्च कर देना, ऐसे जीना कि आपकी आत्मा सदैव जीवन से झंकृत रहे, पूरी निष्ठा और सब कुछ दांव पर लगाकर जीना। पूरे दिल से जीने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, पर सबसे पहले और सबसे जरूरी है कृतज्ञता के भाव और पूरी जिज्ञासा के साथ जीना। पूरे दिल से अगर जीना है तो नाराजगी, शिकायत और असंतोष के साथ नहीं जिया जा सकता। इसलिए जीवन में जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करते हुए उसके लिए मन में कृतज्ञता रखना सबसे जरूरी है। मन में बाल सुलभ जिज्ञासा रखना भी जरूरी है, क्योंकि यही जिज्ञासा आपकी आंखों में कौतूहल लाएगी और आप अपने आसपास की दुनिया के हर दृश्य का आनंद लेते हुए पूरे बोध, जागरूकता और सतर्कता के साथ उसे देखते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय करेंगे। जिज्ञासा का भाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और सब देखे और जिए हुए के बीच कुछ बड़ा देखने और महसूस करने का भाव है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें भी हमेशा कृतज्ञता का भाव मिला रहे। आधे मन से किसी काम को करने का सीधा मतलब होता है कि वह काम कम उत्साह के साथ और उदासीन रहते हुए किया गया होगा, यानी उस काम को करने में हमें खुशी नहीं मिली। अब यह समझ लें कि जब भी हम अधूरे मन से काम करते हैं तो परिणाम भी हमें अधूरे ही मिलते हैं। आप अगर यह सोचकर कोई काम करें क्योंकि महान ग्रंथों में और महान लोगों ने वैसा करने को कहा है, तो आप अधूरे मन से ही वो काम करेंगे। पूरे मन से करने के लिए जरूरी है कि मन में गहरा भरोसा हो और मन को उसकी उतनी ही गहरी जरूरत भी हो। इसलिए आप पाएंगे कि अगर आपके मन में दोस्तों, परिवार वालों और समाज के द्वारा तिरस्कृत होने का डर है तो आप पूरे दिल से नहीं जी पाते। तब आप समझौते करते हुए और दूसरे क्या कहेंगे इसकी परवाह करते हुए अधूरा सा जीवन जीते हो। यह जान लीजिए कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने तमाम जोखिमों और अनिश्चितताओं के बावजूद पूरे दिल से प्यार किया, पूरे दिल से जिंदगी को जिया, बल्कि जोखिम जितना था प्रेम का उफान उतना ही ज्यादा बड़ा। जिंदगी में अनिश्चितता जितनी थी, मन में जिंदगी को लेकर मुकाम तक पहुंचाने की जिद उतनी ही निश्चित थी। यानी पूरे दिल से जीने का मतलब है कि सफलता पर भरोसा न होते हुए भी आपने अपने पसंद के काम को हाथ में लिया और उसमें अपना सब कुछ झोंक दिया। तुम भले ही बेस्ट सेलर न बन पाए, लेकिन तुमने एक किताब लिखने की अपनी जिद को पूरा किया। तुम भले ही धीमे दौड़े, पर तुमने मैराथन दौड़ने के अपने अरमान को हकीकत में बदला। तुमने अपनी बेसुरी आवाज की परवाह न करते हुए शास्त्रीय गायन की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और बेसुरे गले को सुरीला बना दिया। जान लो कि जब तुम दिल से जीते हो तो हमेशा अपने लिए जीते हो, अपने दिल के लिए जीते हो, तब तुम दुनिया के लिए नहीं जीते। अगर तुम अपने दिल की सुनने लगोगे तो ही पूरे दिल से जीने की राह पर आगे बढ़ोगे। यह मान लिया कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है तो क्या? मान लिया कि जिस काम को तुम करना चाहते हो वह बहुत मुश्किल है, असंभव लगता है तो क्या? एक बार असफल हो गए, दो बार हो जाओगे तो क्या? दुनिया तुम्हें डराएगी, मुश्किलों की ओर तुम्हारा ध्यान खींचेगी, तुम्हारी क्षमताओं पर सवाल उठाएगी तो क्या? पूरी ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। जिस राह पर कदम बढ़ाओ पूरे दिल से उसी राह के हो जाओ। पूरी ईमानदारी से अपनी आदतों का मुआयना करो और कमजोर आदतों की केचुल से खुद को बाहर खींच लाओ। जब तुम पूरी शक्ति, सामर्थ्य और भरोसे के साथ किसी काम को हाथ में लोगे तो वक्त इतने भर से ही सफलता तुम्हारे नाम लिख देगा। लेकिन तुम सफलता के लिए नहीं,
अपने दिल के लिए काम करना, काम को पूरे दिल से करना। हमेशा याद रखना कि पूरे दिल से काम करना ही तुम्हारी सफलता है। पूरे दिल से जी जिंदगी ही असली जिंदगी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से जरूर शेयर करें, ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें।